ब्रेस्टफीडिंग के दौरान कई मदर्स को निपल पेन या सोर निपल्स का इशू रहता है। तीन टिप्स जिनके द्वारा आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकती हैं। पहला, बेबी को डीप लैचिंग पर ध्यान दीजिए। बच्चे का मुंह बड़ा खुला होना चाहिए जिससे बच्चा निपल फीडिंग ना करे। दूसरा, एरियोला जो कि निपल के बाहर का काला बड़ा भाग होता है, उसका नीचे वाला पोर्शन बच्चे के मुंह में ज़्यादा जाना चाहिए। पूरा एरियोला बच्चे के मुंह में देना ज़रूरी नहीं होता है। तीसरा, अगर शैलो फीडिंग कराने से निपल पर घाव हो गए हैं, इंजरी हो गई है, तो निपल क्रीम ज़रूर लगाएं जिससे जल्दी से जल्दी हीलिंग हो। तब तक आप मिल्क को हाथ से कटोरी में एक्सप्रेस करें ताकि मिल्क की सप्लाई कम ना हो पाए।